A Tale for Daisy Rabbit Daisy is sitting in a forest. Look, Stripe, I have lovely white and grey fur and two beautiful long ears. And see how shiny my eyes are? Hmm, but look how short and stubby your tail is. Look at my tail, it is long and nice. It helps me jump. I can wave it to show if I am happy or angry. Poor Daisy is sad. She does not like her tail at all. It is short and stubby. She cries. Other animals in the forest have lovely tails. Samli, the fox, has a long and bushy tail. Stripe the tiger has a long, striped tail; his tail goes swish swish when he walks. Jumpy has a long tail too. I do want a long tail. Poor Daisy, how sad she is! Jumpy, let's get her a new tail, a new tail, but how um, let's get a small piece of rope from the village. Good idea. We'll tie the rope around Daisy's short tail. It will hang behind her. They get a piece of rope and tie it around Daisy's tail. She now has a long tail. My tail is long now. And it really goes swish swish when I wiggle my bottom. Thank you, Rook. Thank you, Jumpy. Both smile and wave. After a while, let me show off my new tail to everyone. She begins to hop and jump. Hop, jump, hop, jump. Here I go. After a while, the sun sets. It is evening. I should go home now. Oh, my tail is caught in the bush. How will I go home now? Daisy pulls and pulls, but she cannot move. She is stuck. Oh. The rope is caught in the thorns How I wish I did not have this tail I could have run home but I am stuck now <laughs> Squeak hears Daisy cry. Oh dear, your tail is caught in the bush. Don't worry, Daisy. I'll cut the Dosto a tail for Daisy Rabbit ये स्टोरी है डेजी रैबिट की इसका मतलब है एक रैबिट का रैबिट का बच्ची है जिसका नाम डेजी है और वो डेजी जो है ना वो वहाँ पे एनिमल्स बैठे हैं मनकी है टाइगर है, है और क्रो है तो उसमें से जो टाइगर है उसका नाम स्ट्राइप है उसको बता रही है कि स्ट्राइप देखो ना मैं कितनी ब्यूटीफुल मेरे ग्रे पर मेरे ऊपर जो है वो मेरे दो छोट लंबे लंबे जो ए, कान है वो और मेरी शाइनी स्किन देखो कितनी सुंदर है तभी स्ट्राइप नाम का जो टाइगर का बच्चा है कब है वो उसको बोलता है कि अरे सब अच्छा है लेकिन तुम्हारी टेल तुम्हारी दुम देखो कितनी छोटी और मेरी देखो कितनी लंबी और कितनी सुंदर तुमको पता है ये जो मेरी लॉन्ग टेल है ना इससे मैं जम करता हूँ और जब ये हिलती डुलती है ना तो लोगों को पता चलता है कि मैं अभी हैप्पी हूँ कि एंग्री हूँ हैप्पी हा, है तो भी हिलती है लेकिन पुअर डेजी रैबिट जो है ना उसको तो अभी बुरा लगने लगा था क्योंकि सच में उसकी दुम जो थी ना बहुत छोटी सी थी इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी तो उसको अच्छा नहीं लगा तो वो रोने लगी और रोते रोते अब उसके पास जगरो है उसको वो बता रही है कि सुनो ना रूख दूसरे एनिमल्स को कितनी अच्छी टेल है वो सामली फॉक्स है ना उसकी भी इतनी लॉन्ग एंड बुशी बुशी देखो ना कितनी फैली फैली से टेल है लेकिन मुझे और वो जो स्ट्राइप है ना टाइगर उसकी भी बहुत अच्छी टेल है इधर उधर हिलती डुलती है जब वो चलता है जैसे कि झूम रही है ऐसे उसके ऊपर स्ट्राइप्स भी है और वो जंपी देखो मन की उसकी भी लॉन्ग लॉन्ग टेल है बड़ी सी मुझे भी बड़ी चाहिए मुझे भी मेरी भी बड़ी होनी चाहिए थी तुम तब क्रो बोलता है कि बेचारी बुआ डेजी सब अच्छा है लेकिन अच्छा ठीक है जम्पी को वो बताता है कि जम्पी जम्पी चलो इसको ना आज हम नई टेल लगाएंगे जम्पी बोलता है मन की कि नई टेल हम कैसे बना सकते कैसे ला सकते हैं क्रो बोलता है अरे कुछ नहीं है पास वाले गांव में जाएंगे वहाँ से एक है ना रोप का टुकड़ा एक बड़ी सी लंबी रोप लेके आएंगे वो डेजी के दुम को बांध देंगे बन गई तो जम्पी बोलता है गुड आइडिया हाँ हाँ ऐसे ही करेंगे हम जाएंगे और जल्दी से लेके आएंगे और इसकी दुम बड़ी कर देंगे और वो एक रोप लेके आते हैं और वो डेजी रैबिट के छोटे से दम पे बांध देते हैं तो क्या हो गया वो लंबी हो जाती है डेजी को बहुत अच्छा लगता है डेज़ी बहुत खुश हो जाती है इधर उधर वो दम हिलाती है और हिलने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है तो वो थैंक यू बोलती है मन की जंपी को एंड जो रुख है उसको भी वो थैंक यू बोलती है और ऐसे डेज़ी बहुत खुश हो जाती है डेजी रैबिट जो है ना इतनी खुश हो जाती है अभी उसको लगता है कि देखो ना अब मेरी दुम मेरी दुम ऐसे करती है तो दोनों एनिमल्स मंकी एंड क्रो बहुत खुश हो जाती हैं अब डेजी रैबिट उनको बोलती है कि देखो अब तुम दोनों ने तो देख लिया है अब मैं बाकी के दूसरे एनिमल्स को भी दिखाती हूँ जंगल के सारे एनिमल्स को और वो नाचते नाचते गाते गाते जा रही है और बोलती है कि मैं हो जम्प करती हूँ होप जम्प होम जप हियर आई गो और उसको बहुत खुशी है वो डांस कर रही है उसके बाद में क्या होता है सूरज ढलने का टाइम मतलब इवनिंग होती है तो इवनिंग होने के बाद अब तो उसको लगता है कि मॉर्निंग से मैं सुबह से घर से बाहर निकली हूँ तो अभी मुझे तो घर जाना चाहिए अब तब वो घर जाने के लिए जैसे भागने की कोशिश करती है तब उसकी दुम अटक जाती है कहाँ पे एक थ्रोनी जो एक बुश है पेड़ के जो आ, काटे, -काटे लगे है उसमें वो फंस जाती है बेचारी रैबिट उसको बहुत खींचती है बहुत खींचती है पर वो तो निकलती ही नहीं है ओ शच यार अभी इतनी बड़ी दुम मेरी अब मैं कैसे घर जाऊँ हे भगवान इतनी बड़ी धूम ये तो कांटों में फंस गई अगर ये नहीं इतनी लंबी होती तो मैं जल्दी से घर जा सकती थी और वो डेजी रैबिट रोने लगी उसकी रोने की आवाज़ एक स्क्वेरिल ने स्क्वेरी ने सुनी वो वहाँ पे बैठी थी और उसने सुनी और वो पूछती है हे hey, डेजी क्या हुआ इतना क्यों रो रही है वो माउस बोलता है डरो मत प्यारी मैं ना काट देता हूँ मेरे जो शार्प टीथ है ना उससे मैं काट देता हूँ और तुम भाग जाना तभी वो काटता है और डेजी बहुत खुश होती है और खुश होने के बाद वो अब घर आराम से जा सकती है तभी वो स्क्विक का बहुत थैंक यू बोलती है और फिर हैप्पीली घर चली जाती है तब जाते हुए वो बोलती है अच्छा हुआ अब मुझे पता चला कि मेरी जो लिटिल लिटिल छोटी छोटी दुम है ना वही अच्छी है अब मुझे बड़ी वाली लंबी वाली दम बिल्कुल नहीं